डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं अनदर 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट पॉसिबली पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज 2। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट ओ एट द पॉइंट बी। इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री, देन एंगल ए बी पी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। मतलब आपसे कह रहे हैं ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 100 डिग्री है। आपसे पूछ रहे हैं ए बी पी। ओके, यहां पे मैंने शायद एक लाइन नहीं ड्रॉ की है, ये लाइन ऐसे होगी, ठीक है। So, कह रहे हैं एंगल ए बी पी, मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक सर्कल का, दूसरा ट्रायंगल का। अब जैसे सपोज ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है तो ये इसकी क्या है, रेडियस। ये जो साइड होगी ओ बी, ये भी क्या होगी, रेडियस। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल। और हमें पता है अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट सपोज कर लो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। तो यहां से अगर मैं इस ट्राइंगल के ये एंगल्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x इक्वल्स टू 40 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से आ गया, बट ये पूछा ही नहीं गया है। पूछा कौन सा गया है, ए बी पी, फाइंड ए करना है। तो मैंने बोला ये क्या है भाई साहब, ये है रेडियस और ये क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट रेडियस से क्या रिलेशन होता है, वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन यहां पे एंगल क्या बनेगा, बनेगा 90 डिग्री। टोटल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ओ बी पी है किसका सम, एंगल ओ, एंगल ओ बी ए, ये इनर वाला एंगल जो हमने एक्स अभी फाइंड किया इसको प्लस कर दें, और एंगल ए बी पी को प्लस कर दें, तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। इसमें हमें ये फाइंड कर चुके हैं हम, 40 डिग्री प्लस एंगल ए बी पी इक्वल्स टू 90। एंगल ए बी पी 40 माइनस हो जाएगा 90 में, तो क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। कहीं ऑप्शन में 50 डिग्री है, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें और सर्कल का तो कॉन्सेप्ट लग ही रहा है, रेडियस टेंजेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड वन की, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन सेंटीमीटर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज। इसकी रेडियस बतानी है, अगर किसी कोई एक स्फीयर है उसका क्या है एरिया, सॉरी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, उसका हमें क्या बताना है, उसकी रेडियस बतानी है। तो जस्ट हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है आपको 12 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। सो ये भी यूनिट, सो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और ये यहां से आप देखेंगे तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3/4 12, और 4/4 क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, नहीं कर सकते इसको, इसको नहीं कर सकते, इससे इसको नहीं करेंगे। सो हमारे पास ये 12, ये वैल्यू 3, यहां पे मल्टीप्लाई में अपॉन में, ये वैल्यू 4 और आर क्यूब, 4 से 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 9 इक्वल टू आर क्यूब। बट चाहिए हमें किसकी वैल्यू, आर की। सो आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है हमें, नहीं है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्वर्जन करना होगा। तो हम यहां पे करते हैं इसको, क्यूब रूट 9 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 1/3,
फाइन, और 9 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 और ये होल पावर 3, ये पावर मल्टीप्लाई में, सो 3 की पावर 2/3, ये ऑप्शन में है 3 की पावर 2/3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हम कह सकते हैं जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज, श्योर है कि मतलब होगा ही होगा, तब क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो ये तो हमें याद करना है, वन होगी। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चंस, मिलते हैं और 3 क्वेश्चंस के साथ, तब तक देखते रहो। सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज द 9th टर्म ऑफ द एपी -15, -11, -7, ... 49 इज, ये केपी है, इसका 9th टर्म क्या होगा आपको बताना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, सो यहां पे ए एन मतलब एन की वैल्यू क्या है, 9, सो कौन सा टर्म फाइंड करना है, 9, ए की वैल्यू -15 प्लस एन माइनस वन 9 - 1, और d हमें फाइंड करना है मींस -11 और -15, ये प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो +4। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बार +4 कर रहे हैं, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, सिंपली -15 प्लस 8 4 8 4 = 32, -15 प्लस 32, और इसमें माइनस करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 70। ए 9 क्या होगा, जो इस सीरीज में 9th टर्म होगा वो क्या होगा, 70। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन 44 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। अच्छा, मैं ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे थीटा की रखूं कि दोनों साइड्स में वैल्यूज इक्वल हो, तो दोनों साइड में ये वैल्यू इक्वल करने के लिए या तो इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करूं, ठीक है, या तो मैं इस वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करूं, तो ये मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल होगा कन्वर्ट करना, तो मैंने बोला साइन 44 थीटा डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन कॉस डिग्री के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये 30 डिग्री लिखा है, 90 माइनस 60 30, सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा विच इज साइन 60 डिग्री, और यहां से मैंने देखा साइन 44 डिग्री प्लस थीटा, ये चीज बहुत प्यार से समझना, cos 90 माइनस 60, मतलब मैं 30 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 60, और हमें ये पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, सिंपल। तो मैंने क्या किया, अभी देखो sin थीटा और यहां पे भी sin थीटा, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल, 44 प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 60 - 44 और दिस इज इक्वल्स टू 16, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 16 डिग्री, और आंसर हमारा सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। नाउ 6th क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0r। ठीक है, ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, तो इसमें हम इसको उस तरह भेज देंगे, स्क्वायर है तो हाफ कर देंगे, ऐसा कुछ, मतलब क्या मैं x² = 0.04 ये लिख सकता हूं, और स्क्वायर तो 0.02 ऑप्शन भी है शायद, ये नहीं, इसको क्या करना है, x और 0.04 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस में होगी वैल्यू, बट अभी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इस वैल्यू को सिर्फ हमें ध्यान से देखना है, अंडर रूट में जो अंदर वैल्यू लिखी है 0.04, मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा 2 डिजिट, तो अपॉन में कितने जीरोस, 2, समझ में आया। अब यहां से देखोगे तो रूट के बाहर वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 अपॉन 100 से 10, और
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस रहेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, प्लस माइनस का 0.2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका सही होगा 0.2। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अटेंटिव रहना, बहुत कोई आंसर नहीं कर देना कि यहाँ पे 0.0 स्क्वायर है तो 4 को 2 कर दिया और डायरेक्ट जो भी डेसिमल है, ये प्रॉपर है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इरेज कर रहा हूं, आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू 1 माइनस पी अपॉन पी और माइनस में 1 अपॉन पी, पी एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस पी माइनस 1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल आउट, माइनस पी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, माइनस 1। सो डी की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, माइनस 1, ऑप्शन सी इज दी राइट। और ये चारों क्वेश्चन हमारे हो गए, कुछ 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3 r, इसके जीरोस क्या होंगे, m कॉमा m प्लस 3 माइनस m कॉमा m प्लस 3, m कॉमा माइनस m प्लस 3 एंड माइनस m कॉमा m। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि x स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं पहले, x स्क्वायर माइनस 3m, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस m के स्क्वायर और माइनस 3m, कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिस इज इक्वल टू 0। यहां से मैं m स्क्वायर और x स्क्वायर को क्या करूंगा, पास में लिखूंगा m स्क्वायर और माइनस 3m, एक सेकेंड m नहीं है माइनस 3x है, 3x माइनस 3m को एक साथ ले लूंगा। यहां से मैंने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b, ये चीज मैंने यहां पे लिख ली। यहां से मैंने क्या किया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस एम। ठीक है, अब मेरे पास दो टर्म्स हैं, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दिस इज इक्वल टू 0, फाइन। तो इस टर्म में मैं क्या कर सकता हूं, एक्स प्लस एम है और यहां पे भी एक्स प्लस एम है, मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस एम मैं कॉमन ले लूंगा, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स माइनस एम और माइनस का 3। एक सेकेंड, हाँ जी, ये दिस इज इक्वल टू 0। अभी एक बार इसको हम 0 के इक्वल, सो एक्स इक्वल टू माइनस एम, और जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, एम प्लस 3, क्योंकि एम भी पॉजिटिव माइनस 3 भी पॉजिटिव, तो दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या क्या, माइनस एम एंड एम प्लस 3। सो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करेंगे 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equals to 0 is inconsistent. Inconsistent के लिए क्या होता था, a1 upon a2 equals to b1 upon b2, सिंपली हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, 1 upon a2 सेकेंड इक्वेशन में 5 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई k, 5 2 जा 10, k की वैल्यू आ गई 10, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन d इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ap, ap क्या है, सीरीज का गिवन है a, 3a, 5a, इसमें फर्स्ट टर्म तो a है और a ही रहेगा और बाकी डिफरेंस 2a का है, तो हम यहां पे इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं
और फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन और डी, डी आई हमारी वैल्यू टू ए, कोई दिक्कत? यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू ए एन माइनस टू ए, ठीक है। और इन सबसे मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन सबसे कॉमन क्या मिलेगा ए, तीनों टर्म्स में ए कॉमन, यहां पे बचेगा वन प्लस, यहां पे हमारी वैल्यू बचेगी टू एन एंड यहां पे वैल्यू बचेगी माइनस का। सॉल्व करने पे ए माइनस में हो जाएगा, सो ये टू एन माइनस वन। सो क्या ऑप्शन में कहीं पे आंसर मिल रहा है ए इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, ए एन टू एन माइनस वन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस हैं कुछ, तो आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो आप बी केयरफुल रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए इन सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। और लास्ट में कुछ कहना है ना, तो आप लोगों के लिए कि मोहब्बत की किताब का सबसे अच्छा पन्ना, मोहब्बत की किताब का सबसे अच्छा पन्ना जो होता है माँ की मोहब्बत का होता है, ठीक है। तो जो पढ़ना है मन लगा के पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जो भी हार्डवर्क करना है अभी से लग जाओ, स्टार्ट करो अपने फ्यूचर की तैयारी इसी जर्नी से, क्योंकि ये फर्स्ट बोर्ड है आप सभी का, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी का। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।